अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सोचो नयारों में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ ताज़ी खबरें जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मक्का मुकर्रमा, वजारत हज व उमरा ने दाखिली आजमीन के लिए ऑनलाइन अंदराज सिस्टम में तकनीकी खराबी के 22 फीस जमा करने के लिए 48 घंटों की इजाफी मोहलत दे दी। मक्का अखबार के मुताबिक वजारत ने ऐलान करते हुए वाजे किया है कि अंदराज कराने वाले 13 खानों पर मुस्तमिल अदायगी का नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अंदराज कराने वाले बाज अफराद ने 13 खानों पर मुस्तमिल नंबर के बजाय 7 खानों वाले बुकिंग नंबर को इस्तेमाल किया, जिससे अदायगी में ताखीर हो गई। तकनीकी खराबी के पेशे नज़र वजारत ने बुकिंग करने वालों को पैकेज की रकम अदा करने के लिए मजीद 48 घंटों की मोहलत दे दी है। रियाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाजे किया है कि गिरफ्तारी या हवालात में बंद करते वक्त मुलजमान को 3 हुकूक हासिल हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर तफसीलात बताते हुए कहा है कि गिरफ्तारी के लिए आने वालों या हवालात में ले जाने वालों से दरियाफ्त किया जाए कि आखिर उसे गिरफ़्तार क्यों किया जा रहा है या उसे हवालात में क्यों ले जाया जा रहा है। दूसरा हक यह है कि पूछताछ और मुकदमे के दौरान वो वकील की खिदमात भी हासिल कर सकता है, यह भी उसका हक है। तीसरा हक यह है कि मुलजिम की गिरफ्तारी या हवालात में ले जाने की कार्रवाई करते वक्त वो जिसे मुनासिब समझे उसे वाकये की इत्तला दे सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने यह ताकीद भी किया है कि मुलजिमान कानून में दिए गए हुकूक के इकरारनामे पर दस्तखत करे, अगर वो दस्तखत नहीं करेगा तो ऐसी सूरत में उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आभा के महकमे सूफिया की हवालात में सलाद के तहत जेर हिरासत अफराद को तकनीकी और होटलें वाली खिदमात फराम कर दी। असीर रीजन के साफियों और खिलाड़ियों को हवालात का दौरा कराया गया। मुकामी साफी ने दौरे के बाद सबक वेबसाइट से गुफ्तगु में वाजे किया कि मैंने जो हवालात में देखा वो हैरान करने वाला था। जेर हिरासत अफराद को तमाम मतलूबा सहूलतें मुहैया की जा रही हैं, उनके वक़ार का ख्याल रखा जाता है। हवालात से सिपाहियों और अफसरान से मुलाकात हुई, ये देखकर हमारी हैरत की कोई इंतहा न रही। जेर हिरासत अफराद को फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच तक दिखाए गए। हवालात में बंद अफराद को बैंक अकाउंट पर अपने खातों से मुतालिक मालूमात हासिल करते रहने की भी सहूलत दी जा रही है। अस्पताल, रेस्टोरेंट और तालीम की भी सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। रियाद वजारत तिजारत व सरमायाकारी ने तिजारती मिलावट इंसदादे कानून और तिजारती मरकजात कानून के खिलाफ वर्जी पर 2 सऊदी शहरियों पर 4 लाख रियाल का जुर्माना और मुकामी अखबारों में उनके खर्चे पर उनकी तस्हीर कर दी। तफसीलात के मुताबिक तिजारती इदारे के मालिक और शरीकेकार सब्सिडी वाला आटे छोटे पैकेट में भरकर फरोख्त कर रहे थे। दोनों ने तिजारती मार्क भी गैरकानूनी तरह से इस्तेमाल किए। दम्माम की फौजदारी अदालत में मुकदमे की समाप्ति के बाद इल्जाम साबित हो जाने पर दोनों को 4 लाख रियाल का जुर्माना और दुकान बंद करना, मिलावट में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को जब्त कर लिया गया। अदालती फैसले मुकामी अखबारों में उनके खर्चे पर साया करने की सज़ा सुना दी गई। रियाद ऑक्सफोर्ड अकेडमी सऊदी ख्वातिनों को हवाबाजी की तरबियत देगी। सैकड़ों दरखास्तें अकेडमी को मसूल हो गई। सितंबर में हवाबाजी की क्लासें शुरू की जाएंगी। अकेडमी ने मशरकी रीजन दम्मा में अपनी नई शाखा कायम कर ली। यह अकेडमी $300 मिलियन की लगत मंसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत तैयारों की इसलाहू मरम्मत का स्कूल और हवाई अड्डे पर हवाबाजी की मशर के लिए बैन अवी मरकज कायम किया जाएगा। 3 साल कोर्स और तरबती प्रोग्राम होगा। रियाद फौजदारी की खसूसी अदालत ने 100 किलोग्राम धमाका खेस मवाद सऊदी अरब के मुतालिक करने की कोशिश और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम पर 4 सऊदी शहरियों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर दी। इन शहरियों पर कुरान सुन्नत मुखालफ तफरीर तजरिया अपनाने, सऊदी कायदा और सिक्योरिटी एहलकारों को काफिर करार देने, दहशतगर्द तंजीमों में शमूलियत, बैरून मुल्क जंगी कार्रवाई में शराकत और मुमलिकत के अंदर कुछ कुछ हमले की कोशिश के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इन 4 में से 3 को निशाने इबरत बनाने के लिए मौत की सज़ा, जबकि 4थे को सख्त तजरी सज़ा और बैरून मुमलिकत सफ़र पर पाबंदी का मुतालबा किया है। रियाद वजारत मेहनत व सामाजिक बहबूद रियाद की लेडी इंस्पेक्टर एक तजारती मरकज़ की तलाशी के दौरान कवानीन पर अमल दरामद का रिकॉर्ड चेक कर रही थी। 5,665 इदारों पर छापे के दौरान 334 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। 443 इदारों को इंतबाह कर दिया गया।